बात करेंगे एपिक प्रिंटर के बारे में। आप एपिक प्रिंटर रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, इसका फायदा क्या है? अगर आपके पास सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी पासवर्ड है तो आप एपिक प्रिंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सीएससी से तो बहुत पहले से ये सर्विस लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसको काम कैसे करना है, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका प्रॉफिट क्या है, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आपको मान लीजिए अगर आपके पास एपिक प्रिंटर का रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हो तो रजिस्टर कैसे करेंगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखे हो, आप इसका अप्रूवल कैसे करेंगे, इसका पूरा अप्रूवल करने का फंडा क्या है, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको पहले डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉग इन कर लेना है। आपका लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप एपिक प्रिंटर आपको ऐसे पीवीसी प्रिंट, जैसे मान लीजिए इसको वोटर आईडी कार्ड जिसको बोलता है, वोटर आईडी कार्ड पीवीसी प्रिंट आप ओरिजिनल प्रिंट कैसे करेंगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि आप यहाँ पे सीएससी से आप जैसे मान लीजिए कोई डुप्लीकेट, जैसे एपिक प्रिंटर को आप अगर आप वोटर आईडी को पीवीसी प्रिंट करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको 50 रुपया चार्ज करता है। उसके बाद आपको इसके लिए 1 से 2 महीना आने के टाइम लग जाता है, और आप यहाँ से लाइव 1 मिनट के अंदर एक वोटर आईडी कार्ड पिन करके आप मंथली 9,000 से 10,000 तक कमाई कर सकते। तो इसका पूरा फंडा क्या है इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे टिप्स ऑल टाइम में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आने के लिए। और सीएससी रिलेटेड बहुत वीडियो है, अगर चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस का एक ऑप्शन दिया गया है, सर्विस में क्लिक करना है। जब भी सर्विस में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है एपिक। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर एपिक 001, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पेंटिंग एपिक पेंटिंग, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो पहले वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपको देखिए ऐसे आप एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद यहाँ पे आपको पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। जब भी आप ओटीपी में क्लिक करेंगे आपका एक मोबाइल में ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको मोबाइल से देखना है, अगर तो ओटीपी आया कि नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा ओटीपी आया कि नहीं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। जब भी सबमिट में क्लिक कर देंगे यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्शन सर्विस, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस जो गवर्नमेंट का उस वेबसाइट का मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सीएससी आईडी है वो आईडी ऑटोमेटिक शो करेगा, आपका जो भी स्टेट का आपका सीएससी आईडी है वो स्टेट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। डालने के बाद असाइनमेंट से यहाँ पे देखिए आपका जो भी है वो आप डाल दीजिए। तो मैं दुमका से हूँ तो दुमका डाल देता हूँ। आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आपको जो पिन कोड है आपका वो पिन कोड डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी, देखिए भीएलई का एक ईमेल आईडी रहता है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए डू यू हैव एपिक कार्ड, आपके पास एपिक कार्ड प्रिंटर मशीन है? अगर आपके पास एस है तो एस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर एस करेंगे तभी आपको यहाँ पे से एपिक का रजिस्ट्रेशन आपको सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो भी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप नो करेंगे ये सब कुछ हट जाएगा। तो मेरा है तो मैं अभी एस करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिंटर का नाम, जो भी आपका प्रिंटर का नाम है जैसे एप्सॉन, जो भी प्रिंटर का आपका नाम है वो प्रिंटर का नाम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल, आपका प्रिंटर का मॉडल क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। तो प्रिंटर का मॉडल कैसा रहता है, प्रिंटर कैसे रहता है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा इस पे अप्रूवल कैसे करना है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग नंबर डाल देना है। डालने के बाद देखिए प्रिंटिंग सीरियल नंबर, अगर यहाँ पे प्रिंटिंग का जो सीरियल नंबर रहता है वो नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड प्रिंटर इमेज,
अपलोड प्रिंटर इमेज आपको देखिए यहाँ पे 400 KB से 200 KB के अंदर यहाँ पे देना है, ठीक है, इमेज के फाइल में। तो एपिक प्रिंटर आपको कैसा है मैं दिखा देता हूँ अभी। देखिए प्रिंटर आपको ऐसे टाइप का रहना चाहिए, जैसे एपिक प्रिंटर मेरा जैसे है ऐसे टाइप का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर जो है, पार्ट नंबर जिसको बोलता है, इसको सीरियल नंबर रहेगा, नीचे लिखा रहेगा, वो सीरियल नंबर को आपको देना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर देने के बाद यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन है, ऐसा पीवीसी कार्ड आप प्रिंट कर पाएंगे न्यू अपडेट वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहले जो पेंटिंग इमेज, यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक कीजिए। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एपिक में क्लिक कीजिए, आपका जो मशीन आप ऑलरेडी आप यहाँ पे स्कैन करके रख देना है फोटो करके, उसके बाद ओपन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड प्रिंटर इमेज इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक इस ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, देखिए आ गया है। ऐसे सेम आपको अपलोड प्रिंटर सीरियल नंबर इसमें क्लिक करना है, चूज फाइल में सीरियल नंबर का पीछे वाला हिस्सा आपको ओपन करना है, अपलोड में क्लिक कर देना है। अपलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन लगता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका नजदीक का पुलिस में जाने के बाद आपके ऊपर कोई भी केस नहीं रहना नहीं चाहिए इसमें। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको नजदीक पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, उसको आपको लेके रख देना है सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे चूज फाइल में जाके अपलोड करना है। तो मैं ऑलरेडी लेके रखा हूँ, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे टाइप का रहता है, ठीक है। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऐसे टाइप का रहेगा, ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है, आपका जो भी स्टेट का अलग अलग थोड़ा लोगो रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। जैसे देखिए जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री में क्लिक करना है। तो मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को पहले अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड ओपन में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्री में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रख दिया है लेकिन अभी तक आपको अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। इसका एक ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे रख दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी यहाँ पे देखे रखा हूँ। इसमें आ जाने के बाद देखिए आपका जो भी स्टेट है वहाँ पे शो करेगा, जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च में क्लिक कर देना है। सर्च में क्लिक करते देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का यहाँ पे नंबर शो करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर करके पूछ सकते हो, सर मुझे मैं एपिक के लिए रजिस्ट्रेशन किया हूँ लेकिन मेरा अप्रूवल नहीं हुआ, तो मुझे कार्ड के लिए अभी अप्लाई करना है, तो मैं कार्ड के लिए क्या अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूवल दे देगा तो आप कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे लिखना है पीवीसी, जब भी पीवीसी लिखना है यहाँ पे देखिए पीवीसी कार्ड बायोमेट्रिक डिवाइस, इसमें क्लिक कर देना है आपको। जब भी इसमें क्लिक करेंगे आपका सीएससी आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करेगा, ठीक है। तो मेरा जो सीएससी आईडी पासवर्ड है मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको बोलेगा डिजिटल सेवा में कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे यस में क्लिक करना है आपको। यस में जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पीवीसी इपिक कार्ड ऑर्डर, इसमें क्लिक करना है आपको। इसमें क्लिक करेंगे देखिए पीवीसी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, ठीक है, इसमें क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए इसको आपका यहाँ पे नाम डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, आपका ईमेल आईडी डाल देना है, आपको सिलेक्ट कार्ड टाइपिंग यहाँ पे इलेक्शन सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे एक यूनिट से 500 कार्ड, मतलब एक यूनिट में आपका 500 कार्ड रहेगा। तो मेरा यहाँ पे एक यूनिट अगर डाल दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए 2500 आ रहा है, मतलब 500 कार्ड का 2500 रुपया पड़ रहा है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है फुल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, आपका पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पे सबमिट में क्लिक करिए। सबमिट में क्लिक करते हैं आपका कार्ड ऑर्डर हो जाएगा, आपका एड्रेस में कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे आप आपका कार्ड भी सेंड कर सकते हो, आपका पीवीसी पेंडिंग के लिए आप अगर रजिस्टर नहीं किया हो तो ऐसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और आपका अगर रजिस्ट्रेशन किए हो तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आपको बात करके आप अप्रूवल भी करा सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो में एक छोटी जानकारी था, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।